सब हालत देख सकते हैं। बहुत नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शानदार जगह में आपको लेकर पहुंच गए हैं जो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में अंबेडकर मेमोरियल पार्क के नाम से स्थित है। मगर पहले आप अपने चैनल पोला जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी ही नई नई जगहों की रोचक जानकारी हम हमेशा देते रहें। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ कैसे पहुंचे, अंबेडकर मेमोरियल पार्क की खासियत क्या है, यहां पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं और यहां की एंट्री फी क्या लगती है, यह पार्क कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक और जानिए अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ की संपूर्ण जानकारियाँ। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि हमने अंबेडकर पार्क में एंट्री कर ली है और अभी यहाँ हमें टिकट लेनी है जो प्रत्येक व्यक्ति 25 रुपए है। तो प्रवेश शुल्क सभी लोगों के लिए लागू है, चाहे उनकी उम्र, लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, तो सभी को 25 रुपए देकर यहाँ पर एंट्री करनी है। अभी हमने यहाँ पर अपने टिकट को सिक्योरिटी चेक इन करा लिया है। अभी यहाँ चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो रात का नजारा हम आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर रात में इस वीडियो को अगर बना रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएगा कि दोस्तों की आपको यह रात वाला नजारा कितना प्यारा लगा। बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ की टाइमिंग की। इस पार्क के टाइमिंग के बारे में बात करते हैं तो यह पार्क सुबह के 11 बजे खुल जाता है और रात में 9 बजे तक खुला रहता है। इसके साथ में मैं आपको एक जरूरी सूचना और दे देता हूँ कि आपके अपने चैनल पोला जर्नी ने लखनऊ शहर में घूमने वाली जगहों के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनको राजधानी लखनऊ यात्रा की प्लेलिस्ट में अलग से रखा है, तो आप उन्हें भी ऊपर की तरफ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं और हम आपको यहां का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको इस पार्क में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क स्मारक के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर मुख्य चार जगह देखने को मिलने वाली हैं जो इस पार्क का मुख्य आकर्षण है। पहली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, फिर आपको उसके बाद देखने को मिलने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक दृश्य स्थल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहुत ही ऊंची मूर्ति बनाई गई हुई है और जो भी आप ये प्रतिमा देख रहे हैं ये संत नारायण गुरु जी की है। और अभी आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी के अंदर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी के अंदर कई मूर्तियां स्थापित की गई हैं और उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की प्रतिमा जो कि यहां पर भी स्थापित की गई है। तो आप देखिए और हमें कमेंट करके बताया कि ये मूर्तियां आपको कैसी लगी। सामाजिक परिवर्तन गैलरी से जैसे ही हम बाहर आ जाते हैं और दाहिनी तरफ चलना शुरू करते हैं तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, यही है यहाँ पर प्रतिबिंब स्थल के नाम से जाना जाता है, जिसके दोनों ओर 62 हाथियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हुई है। मगर उससे पहले हमें यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की चतुर्मुखी प्रतिमा देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गौतम बुद्ध जी की ये मूर्ति कैसी लगी, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। गौतम बुद्ध जी की चतुर्मुखी प्रतिमा देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको दो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक प्रतिमा माननीय श्री कांशीराम जी की है और दूसरी प्रतिमा यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की स्थापित की गई है। और दोनों प्रतिमाओं के बीच में इस पूरे अंबेडकर पार्क का नक्शा दर्शाया गया है कि किस जगह पर क्या क्या चीजें बनाई गई हैं अंबेडकर पार्क में। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित यह अंबेडकर पार्क शहर के सबसे शानदार और बेस्ट पार्क में गिना जाता है। भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क शहर की खूबसूरती बढ़ाने का काम करता है। इस पार्क में न केवल बीआर अंबेडकर की प्रतिमा है बल्कि ज्योतिबाई फूले, श्री नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज और काशीराम जैसे महान व्यक्तियों की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसके साथ में दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आप इस पार्क में कैसे पहुंचे। लखनऊ के इस सुंदर पार्क में पहुंचने के लिए आपको पहले लखनऊ आना होगा, जिसके लिए आप हवाई, रेल और सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट इस पार्क के सबसे पास पड़ता है। यदि आप रेल द्वारा इस पार्क तक आना चाहते हैं तो लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन इसके सबसे पास पड़ता है। आप इन दोनों जगहों में पहुंचने के बाद अंबेडकर पार्क के लिए टैक्सी कर सकते हैं, आपको यहां पर टैक्सी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और अभी जिस जगह पे हम पहुंच गए हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल है। यहाँ पर अंदर आते ही आपको गेट के पास दीवार में गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा देखने को मिलती है और फिर जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी कुछ प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। साथ में यहाँ का प्रतिबिंब स्थल का चिन्ह दर्शाया गया हुआ है, जिसके साथ में मायावती जी की मूर्ति भी बनाई गई हुई है।
जहाँ पर लगी लाइटिंग्स की वजह से इन सभी प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगता है कि इन सभी प्रतिमाओं में जान बसती हो। और अभी जो आप प्रतिमा देख रहे हैं वो भी अपने भीमराव अम्बेडकर जी की है तथा यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। और अगर हम यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें तो स्मारक की आधारशिला सबसे पहले 1995 में रखी गई थी। इससे पहले पार्क का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उद्यान था। 2002 में इस पार्क का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक रख दिया गया। इसे पहली बार 14 अप्रैल 2008 को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने जनता के लिए खोला था। और अभी चलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल के ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं पूरे अम्बेडकर पार्क का व्यू ऊपर से कि कैसे यह पार्क, यह जगह लखनऊ की खूबसूरती को बढ़ाती है। मगर उससे पहले आप अपने चैनल पोलर जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां हम हमेशा देते रहें और अपने देश और प्रदेश का नाम आगे बढ़ाते रहें। अगर हम इस पार्क की खासियत के बारे में बात करें तो यहां की खासियत कुछ इस प्रकार है। इस पार्क को औपचारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल के रूप में जाना जाता है। यह भारत में एक सार्वजनिक पार्क और स्मारक है। यह स्मारक भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित है। पार्क में 124 स्मारकीय हाथी भी हैं। इस स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने अपने शासनकाल में करवाया था। अभी इस जगह पर पहुंचने पर ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से ये लाइट जब लगी है यहाँ पर, तो कितना अच्छा लग रहा है इस जगह को देखकर। अभी तो हम और थोड़ा सा ऊपर जाकर इस पूरे पार्क का व्यू दिखाते हैं कि यह पूरा पार्क रात में कैसे जगमगाता है। देख सकते हैं बहुत थक गए, दिल दिल दे बस पानी की जरूरत है यहाँ पे, हमें पानी चाहिए है। इस रेगिस्तान में हम बिल्कुल मुक्त बन चुके हैं। ओह गॉड। और अब इस तरह हमारी ये वीडियो समापन के करीब है, तो दोस्तों इस सर्कल में क्लिक करके अपने चैनल पोलर जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको ऐसी रोचक जानकारियां हमेशा मिलती रहें तथा ये हमारे चैनल की बेस्ट वीडियोस हैं, तो आप इन्हें भी देखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।